हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक प्राइवेट बैंक के जॉब की वैकेंसी के लिए। यहाँ पे बहुत सारे जो कि रिक्रूटमेंट निकला हो रहा है। तो दोस्तों, जो लोग बैंक में नौकरी ढूंढ रहे हैं तो इसके लिए एक यहाँ पे बहुत अच्छा है, सुखबर है। आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं आपके इस जॉब के, बैंक के जॉब के। तो ICICI बैंक जो कि है प्राइवेट बैंक, जो यहाँ पे बहुत सारे रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो ICICI बैंक में अगर काम करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बताऊँगा किस तरह से आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो कि रिक्रूटमेंट है और कैटेगरी जो कि डिफरेंट है, अगर आप स्किप कर जाते हैं तो आपको मिस हो जाएगा, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आपको बैंक में काम करना होगा तो यहाँ पे आपको चुनना होगा कौन सा बैंक आपके लिए बेस्ट होगा या कौन सा बैंक के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट में, इंडियन में बहुत सारे जो कि प्राइवेट बैंक, इस तरह से बहुत सारे गवर्नमेंट प्राइवेट बैंक जो कि बढ़ चुका है। इसके लिए मैं आप लोगों को बताऊँगा, आप जिस भी बैंक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप एक बार सोच लीजिए कि ये बैंक के लिए आपके लिए सुइटेबल होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, इसके लिए इसको इस पेज में आना होगा। तो इस पेज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके डायरेक्टली इस पेज में आ सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ICICI बैंक के जो करियर पेज है, आप मैं यहां पे चला आया हूं। इसके बाद आप लोग यहां पे राइट साइड में देख सकते हैं, यहां पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, अबाउट आवर बिजनेस ग्रुप सर्जन अप्लाई रिक्रूटमेंट प्रोसेस वुमेन एट ICICI फ्रेशर एंड आई गैलरी। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो कि है आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो जो रिक्रूटमेंट है रिसेंटली पोस्ट हुए, आप लोग वहाँ की उस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे जो कि सेल्स मैनेजमेंट प्रोबायोटी ऑफिसर प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे भी होते हैं जो लोग चाहते हैं कि अप्लाई करना, उन लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो कि है आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, उसके बाद आप कोई भी बैंक के लिए अप्लाई करना कर सकते। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे जो प्रोग्राम है, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते। उनके लिए आपको क्या करना होगा, आप अगर सेल्स मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए भाग लेना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको वहाँ एक फॉर्म मिलेगा, आपको फॉर्म फिलअप करना हो। इस तरह से आपको प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए भी सेम रहेगा, आपको वहाँ पे क्लिक करना होगा, उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, उसके बाद आपको ये प्रोग्राम जो है आप ज्वाइन कर सकते। तो दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को रिक्रूटमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा कि क्या क्या रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, आप कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते उसके बारे में। तो उसके लिए मैं यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो कि है यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसमें क्लिक करने के बाद जो जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको फाइंड ए जॉब जो कि है आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जॉब क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे जो कि जॉब यहाँ पे निकला हुआ है। तो रिसेंटली जो जो जॉब पोस्ट हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट जो कि है मेकर एंड वेरीफायर फंक्शन ऑपरेशन, लोकेशन इसका रहेगा हैदराबाद एंड मुंबई। उसके बाद जो कि है प्रोबेशनरी ऑफिसर, इसका फंक्शन जो है अदर्स लोकेशन रहेगा अक्रॉस इंडिया। तो दोस्तों, यहाँ पे एक अच्छी बात है जो कि आप लोग ऑल ओवर इंडिया के लिए अप्लाई करना चाहते कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं बैंक के लिए, आप लोग घर बैठे बैठे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आपके मोबाइल के थ्रू। दोस्तों, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं सेल्स ऑफिसर के पोस्ट निकला हुआ है, आप लोग उसमें भी क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात कर लेता हूँ, तो मेकर वेरीफाई की जो कि पोस्ट निकला हुआ है, यहाँ पे 0 से 5 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको रहना चाहिए। प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। सेल्स ऑफिसर के लिए 0 से 4 इयर्स के जो कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो आपको वहाँ पर क्लिक करना हो, उसमें क्लिक करना हो, उसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो जो उस जॉब के डिटेल्स है आप लोगों के सामने चला आएगा। उसके बाद आप लोग एक बार मन लगा के पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी टर्म एंड कंडीशन होता है जिस लोगों को स्किप कर देता है, उसके बाद फ्यूचर में बहुत सारे प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इस जॉब के रोल्स जो है मैं आपको बता देता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डाटा एंट्री वेरियस एप्लीकेशन स्कैनिंग एंड डॉक्यूमेंट इनवर्डिंग अपलोडिंग फाइल बैच बल्क प्रोसेसिंग ऑफ एंटर। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको डाटा एंट्री के जो कि जॉब करना होगा, स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स के
बारे में। तो यहाँ पे जॉब जो कि है डाटा एंट्री के लिए बेसिकली है आपको इस जॉब है, उसके बाद प्रोडक्ट कस्टमर हैंडल जो आपको अकाउंट ओपनिंग क्लियरिंग एंड ट्रांजैक्शन करना होगा। आपका न्यू ऐप का अकाउंट अगर कोई भी अगर ओपन करना चाहते आपको उसमें भी काम करना होगा। स्किल और आपके पास स्किल जो रहना चाहिए, कंप्यूटर के लिए एक्सेल एक्सपर्ट होना चाहिए, एक्सेल आपको बहुत ज़्यादा आना मतलब आपको जानना होगा। उसके बाद आपका बेसिक डॉक्यूमेंट नॉलेज जो कि पैन कार्ड डीएल वोटर आई कार्ड चेक एक्सेल आपको इसके बारे में आपके पास भी नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ साथ ओपनिंग वर्क इन शिफ्ट आपको शिफ्ट में कोई भी अगर जॉब काम करने के लिए बोला जाएगा कि तो आपको वह भी करना होगा। तो मैं दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बता चुका हूँ कि यहाँ पे आप लोग देख सकते मिनिमम क्वालिफिकेशन जो कि है यहाँ पे ग्रेजुएशन। तो दोस्तों आपको ग्रेजुएशन पास करने के बाद आप लोग अप्लाई इजीली भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन पास होना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके बाद आप लोग इस तरह से आप लोग देख सकते इसका जॉब लोकेशन जो रहेगा हैदराबाद एंड मुंबई में। तो उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई हेयर जो कि है आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसका एक छोटा सा फॉर्म जो कि यहाँ पे आएगा आपको यहाँ पे वो फॉर्म फिलअप करना होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको अगर पहली बार आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना कर रहे हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग वहाँ से जाके अप्लाई करना होता है। रजिस्ट्रेशन कुछ इस तरह से होता है, आपके पास अगर कोई भी रिसेंटली जो रिज्यूम या सीवी है आपको यहाँ पे आपको अपलोड करना हो, क्योंकि ये मास्ट जो कि होता है आपका रिज्यूम में आपका जो ऑल डिटेल जो है आपको यहाँ पे चला आता है, उस लिए यहाँ पे रिज्यूम आपको अपलोड करना हो। उसके बाद आपका पर्सनल डिटेल जो कि है यहाँ पे आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर सब कुछ यहाँ पे देना होगा। उसके बाद आपका एकेडमिक इंफॉर्मेशन जो कि है यहाँ पे आपको वो भी देना होगा, क्योंकि एकेडमिक डिटेल्स के बेस के ऊपर यहाँ पे जॉब आपको लगेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई दे सकते, क्योंकि आपका अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो आपका एक एडवांटेज मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अपर पोस्ट में होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपर पोस्ट काम करना तो यहाँ पे आप कर सकते हैं अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होता है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो कि सप्लीमेंटरी इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जो कि अगर होता है आप यहाँ ये भी दे सकते हैं। तो इस तरह से कुछ थर्ड थ्री फॉर्म है आपको फिलअप करना होगा, उसके बाद आपको सबमिट कर देना होगा। सबमिट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट डिटेल सब कुछ यहाँ पे देना होगा। इस तरह से नेक्स्ट करके आपको यहाँ पे सब कुछ डिटेल देना होगा। डिटेल्स देने के बाद आपको ये फॉर्म सबमिट कर देना होगा। सबमिट करने के बाद अगर आपका ये फॉर्म मैच कर जाता है इस जॉब के लिए तो उसके बाद आपको कॉल करके या ईमेल के थ्रू आपको कांटेक्ट कर ले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू बेस में यहाँ पे जॉब सिलेक्शन होता है। कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, इसके लिए आपको रिटर्न इंटरव्यू देना हो तो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। उसके बाद अगर इंटरव्यू में आप पास हो जाते हो तो उसके बाद आपको ये जॉब मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ICICI बैंक के और भी कुछ पोस्ट है, मैं पहले बोल चुका हूँ, अगर उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो आपका सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलें। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है आप लोग कमेंट करके मेरे को पूछ सकते, मैं उस कमेंट को जल्द से जल्द मैं रिप्लाई दे दूंगा। तो थैंक यू फ्रेंड, दूसरा वीडियो में मिलते हैं।